हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपराइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए ले आया हूँ भाई मैं XL6 ब्लैक कलर के अंदर है, पेट्रोल वेरिएंट है हमारे पास। सबसे पहले इसके डायमेंशन की बात करेंगे, 4445 इसकी लंबाई, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिल जाएगी भाई 1775 mm की। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई हमें सामने से देखने को मिलेंगी। फ्रंट से देखोगे तो भाई यही है कि इसके ऊपर लगा हुआ है इर्टिगा का, इसके ऊपर लगा हुआ भाई पूरा का पूरा जो आपने देखा है, थोड़ी सी बल्कि लुक दे दी है। आगे देखोगे LED लाइट देखने को मिल जाएंगी, लो बीम हाई बीम साथ में दिया, DRL साइड टर्न इंडिकेटर, और बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगी क्रोम लाइनिंग सुजुकी के साथ। नीचे दे दिया कैमरा, XL6 की ब्रांडिंग फोग लैम्प के साथ देखने को मिल जाएगी। ब्लैक कलर के अंदर है, ब्लैक और क्रोम का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ छोटी सी स्किड प्लेट है जो कि भाई हमें सिल्वर कलर की देखने को मिल जाती है। साइड से बात करेंगे MRF के टायर हैं। अगर हम इसके टायर सेक्शन की बात करेंगे तो ये इसका टायर सेक्शन है 195/60 R16 16 इंच का। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा, और साइड में हमें क्लैडिंग भी देखने को मिलेगी यहाँ से और पीछे तक, तो पूरी क्लैडिंग इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ORVM की बात करें साथ में आपको मिल जाएंगे इसमें साइड टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर देखने को मिलेगा कैमरा, तो 360 डिग्री कैमरे के साथ देखने को मिलती है। डोर हैंडल की बात करेंगे, क्रोम का डोर हैंडल है, साथ में इसमें मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। बैक साइड में बात क्रोम का डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, ऊपर कोई लाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ आएंगे यहाँ भी वही हमें सेम MRF का 16 इंच का ड्रम ब्रेक के साथ टायर देखने को मिलेगा। तीन कांच मिलते हैं, थर्ड में ये वाला कांच देखने को मिलेगा जो कि भाई आपको काफी एयरी फील कराएगा कैबिन को। साथ में ऊपर मिल जाएंगी थोड़ी सी रूफ रेल्स जो कि शो करने के लिए होती हैं। साथ में यहाँ कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक है, और यहाँ बात करोगे यहाँ देखने को मिलेगा इसमें शार्क पिन एंटीना। पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ भैया हमें देखने को मिलता है इसका साइड टर्न इंडिकेटर, स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग लाइट कुछ इस तरीके की, वोल्वो टाइप की XL6 की ब्रांडिंग बीच में देखो। पीछे मिलेंगे चार पार्किंग सेंसर कुछ इस तरीके के, स्किड प्लेट दी गई है सिल्वर में। साइड में देखने को मिलते हैं इसके रिफ्लेक्टर्स। शीशे की बात करें यहाँ देखने को मिल जाएगा इसका डिफोगर वाइपर वॉशर सारा है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, XL6 की ब्रांडिंग यहाँ, स्किड प्लेट यहाँ पर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर मिल जाएगी इसकी फ्यूल कैपेसिटी 50 लीटर के आसपास की फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ओवरऑल कुछ इस तरीके का मिलता है इस पूरी गाड़ी का देखने को। अंदर जाने से पहले बात करेंगे चाबी की, मारुति की वही पुरानी चाबी जो हमें नॉर्मल देखने को मिलती है, दोनों की दोनों, ये लॉक और अनलॉक सिर्फ दो चाबी इसमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर चलने से पहले बात करेंगे भाई इसके डोर की। डोर पे यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको वुडन फिनिश, साथ में मिल जाएगा क्रोम का डोर हैंडल, चारों पावर विंडो वन डाउन के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये चार हो गए, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक ORVM के कंट्रोल यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ मिल जाएगा आपको ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर है। नीचे देखने को मिलेगा आपको बोतल होल्डर और कुछ सामान रखने की जगह। अंदर की बात करेंगे ये कुछ इस तरीके की इसकी सीट, सीट थाई सपोर्ट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं अंदर बैठने के बाद। हम आ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर, सबसे पहले आपको दिखेगा इसका स्टीयरिंग व्हील। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिल जाते हैं। इसको करते हैं सेट, यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेंगे थोड़े से इसके, और ये कंट्रोल मिलेंगे आपको इसके। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, गाड़ी ऑटोमेटिक है, पैडल शिफ्टर यहाँ देखने को मिलेंगे। नीचे से फ्लैट स्टेयरिंग है, तीन बटन है, फोन उठाना काटना है, वॉइस असिस्टेंट का। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको वाइपर कंट्रोल, यहाँ मिल जाएंगे इसके लाइट्स कंट्रोल। सामने की तरफ कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी पूरा का पूरा डैशबोर्ड, RPM मीटर यहाँ, स्पीडोमीटर यहाँ, फ्यूल मीटर इसके अंदर, टेम्परेचर मीटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। छोटी सी MID के अंदर सारी डिस्प्ले है, डिटेल्स वो आपको ओके करने के बाद मैं बताऊंगा। ये सारी चीज होने के बाद फिर हम बात करते हैं इसके साइड में। यहाँ पर आपको एक बार ऑन करके दिखा दूं, एक और दो, ये ऑन होते ही यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी कुछ इस तरीके की ओवरऑल लाइट। एयर फ्लो को हमने कर दिया है कम। यहाँ पर देखोगे 9 इंच का टच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज हमें बोल के बताती है। And the people who love sleep, they love Kurlon. तो ये हमने कर दी इसकी वॉल्यूम बंद, जैसे आपने सुना भाई 4 स्पीकर का सेटअप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ये सारी डिटेल एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। नीचे की तरफ बात करेंगे वुडन फिनिश देखने को मिलेगी, साथ में मिल जाएगा AC, ऑटोमेटिक AC है। नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB सॉकेट। नीचे
दो कप होल्डर देखने को मिलेंगे कूल्ड के साथ, साथ में वहाँ पर कुछ सामान रखने की जगह है। ये आपको मिल जाएगा इसका नॉर्मल गियर बॉक्स जो कि ऑटोमेटिक के अंदर है, पूरी वुडन फिनिश वहाँ तक जाती है। IRVM की बात करोगे, ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ आपको एक लाइट के साथ मिरर, इस साइड बात करोगे तो यहाँ भी लाइट के साथ मिरर देखने को मिलेगा कुछ। ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, दो लाइट आपको यहाँ ये देखने को मिलेंगी हैलोजन की, यहाँ पर माइक प्लेसमेंट, ऊपर AC हवा खींचने के लिए पीछे की तरफ से देगा, इर्टिगा वाला पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का है इसका डैशबोर्ड। और ये सारे फीचर्स हो गए सामने से, आर्मरेस्ट यहाँ देखने को मिलता है, हैंड ब्रेक हमें नॉर्मल वाला दिया गया है। तो ये सारी चीज़ भाई हमारी थी, आगे सीट की कर चुका हूँ मैं एडजस्ट, अब चलता हूँ पीछे और आपको थोड़ा बहुत स्पेस बता देता हूँ पीछे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। गाड़ी के बैक डोर की बात करें, पीछे वाला डोर भाई ये भी काफ़ी वाइड देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिला ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ है, क्रोम का डोर हैंडल है, साथ में पावर विंडो, स्पीकर की जगह यहाँ मिलेगा बोतल होल्डर, सारी चीज़ें। थर्ड रो सीट दिखा दूँ, थर्ड AC है भाई। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसकी सीटिंग कैपेसिटी दिखाई है, वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। पीछे वाली सीट दोनों पायलट है, ये हमेशा 6 सीटर के अंदर ही आती है। बैठते गाड़ी के अंदर कंफर्ट मिलता है इसमें हमें बिल्कुल सेम, जो कि हमें आगे देखने को मिला था वही है। दोनों आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएंगे, पीछे जाने का रास्ता है ये, साथ में यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया, थाई सपोर्ट पूरा है। 1 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ है, कुछ फ़ोन रखने की जगह, AC बताते हैं वो आपके यहाँ देखने को मिलेंगे, एयर फ्लो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हो गए, ग्रैब हैंडल नॉर्मल देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से सॉफ्टली ऊपर जाने वाले। तो ये काफ़ी बड़ा है। बूट की बात करें, बूट इसमें सीट होने की वजह से काफ़ी कम देखने को मिलता है, तो भाई बूट के लिए इस गाड़ी को आप ना ही प्रेफर करें तो अच्छा है। तो 6 सीटर आपको अच्छी गाड़ी देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक गाड़ी के अंदर का। अब चलता हूँ सामने और इसके सारे स्पेसिफिकेशन इंजन के बताता हूँ। सेफ्टी की बात करें, 2 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, ABS EBD ब्रेक असिस्ट और ऑटोमेटिक में हील होल्ड और हील डिसेंट कंट्रोल, ये सब हमें देखने को मिलेगा। बूट में जैसे आपको बता रहा था, बूट आपको इतना ही देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा बूट नहीं है। यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा सामान अपना नहीं रख पाओगे, तो कुछ इस तरीके का इसका है बूट। अब ओपन करते हैं इसका हुड, बात करते हैं इंजन की। इंजन हमें देखने को मिलता है भाई सेम भाई ब्रेजा वाला या फिर आपको ग्रैंड विटारा वाला, 1500 CC का इंजन है। 4 सिलेंडर पावर की बात करें तो भाई जैसे पेट्रोल में है तो 103 BHP की पावर, और टॉर्क की बात करें तो 115 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिलेगा। सेफ्टी फीचर ABS EBD ब्रेक असिस्ट ये बता दिए थे, साथ में ऊपर देखोगे तो इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, साथ में नीचे तो ये आप लगवा सकते हैं। इंजन गार्ड है, बाकी सारी चीज़ें ये 1.5 लीटर इंजन, सामने की तरफ से ओवरऑल डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर पूरी पूरी गाड़ी की बात करें तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक इस कार का हमें देखने को मिलता है। अब करते हैं हुड को बंद और बाकी बातें करते हैं इसके आगे। तो ये थी भाई XL6 जो कि हमारे पास था, इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट। अगर आपको अच्छी लगी, ब्लैक कलर में खरीदना चाहते हो तो अभी जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, शोरूम का नंबर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ डिटेल थी इसके अंदर, तो मिलते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, और बताना आपको गाड़ी कैसी लगी जैसी मिली तो बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लगातार ऐसी ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।